सब्सक्राइब कीजिए मास्टर मिथ टॉक्स चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं अमित शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं NBA के बारे में, यानी कि नेशनल बॉडी ऑफ एक्रेडिटेशन के बारे में। मेरी नेक वाली वीडियो के ऊपर आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए थे कि NBA के बारे में बताओ, NBA क्या होता है और नेक और NBA में क्या डिफरेंस है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी NBA के बारे में बात करने वाला हूँ कि एक्चुअली में NBA क्या होता है, क्या बेनिफिट है, किस तरीके से काम करता है और क्या क्यों ज़रूरी है NBA। तो दोस्तों बात करते हैं NBA के बारे में। इंडिया के दो सबसे मेजर एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं, एक है NEC NAACP एंड एक है NBA। NEC के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में NBA के बारे में बात करते हैं। दोस्तों NBA का बात करूँ तो NBA को जो एस्टेब्लिश किया था वो किया था AICTE ने, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने 1994 के अंदर। 2010 में इसको जो है एक इंडिविजुअल बॉडी बना दिया गया था, उसके बाद जो है NBA जो है एक इंडिविजुअली काम कर रहा है। बेसिकली NBA का जो मेन काम रहता है, जो मेजर डिफरेंस है NEC और NBA के अंदर, काम तो दोनों का एक्रेडिटेशन का ही है, लेकिन जो NEC है वो एक्रेडिटेशन देता है फुल कैंपस को, जिसमें कि करिकुलम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रिसर्च वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, आई बटन के अंदर उसका लिंक है, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। लेकिन NBA का जो काम है वो है पर्टिकुलर प्रोग्राम को जो है एक्रेडिट करना, मतलब पूरे कैंपस को एक्रेडिट नहीं करता, पर्टिकुलर प्रोग्राम को जो है एक्रेडिट करता है, जिसमें कि अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, जो भी प्रोग्राम्स AICTE के अंडर आते हैं वो सभी जो हैं NBA एक्रेडिट करता है, जिसमें आपका इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हो गया, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिनको जो है एक्रेडिट करता है। इसी के साथ प्लस पॉइंट ये भी है कि सिर्फ इंजीनियरिंग को एक्रेडिट नहीं करता है। अगर अगर मैं इंजीनियरिंग का एग्जांपल लूँ तो इंजीनियरिंग के अंदर अगर किसी ब्रांच का भी एग्जांपल लूँ, जैसे कि आपका मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, तो पर्टिकुलर ब्रांच को भी एक्रेडिट करता है। अब बात करते हैं कि NBA किस हिसाब से जो एक्रेडिटेशन करता है, तो बेसिकली दो पैरामीटर्स को लेकर के चलता है, ये प्रोग्राम वाइज भी रहती है और इंस्टीट्यूशन वाइज भी रहती है। मेन पॉइंट्स को जो कवर किया जाता है इसके अंदर वो होते हैं, एक तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, क्या क्या पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कैंपस के अंदर एंड क्या क्या फैसिलिटीज़ जो स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। सेकंड पॉइंट आता है कि लर्निंग और टीचिंग के लिए क्या क्वालिटी मेंटेन किया जा रहा है उसके अंदर, और उसको कितना इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्या वीकनेसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पॉइंट्स को चेक किया जाता है। थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है क्या करिकुलम का डिज़ाइन जो है वो कैसा है, अगर उसको इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है तो उसको सजेशन दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें NBA जो है वहाँ पर जो भी कमेटी उनकी बनी होती है वो सजेस्ट करती है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज स्पोर्ट्स सर्विसेज जो रहती हैं, जैसे कि आपका लाइब्रेरी हो गया, लेबोरेटरीज होगी, आपका कंप्यूटर लैब वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो है NBA जो है वो एक्रेडिट करता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है। अब जैसे कंप्यूटर लैब वगैरह हो गए, तो इसमें इस तरीके से किया जाता है कि मान लीजिए आपके कॉलेज के अंदर 200 जो हैं PCs हैं, तो कितने PC जो हैं वो कंप्यूटर साइंस के लिए हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर उनके अंदर, वो सारी डिटेलिंग जो है NBA करता है किसी को पर्टिकुलर कोर्स को एक्रेडिट करने से पहले। इसी के साथ अगर बात करूँ कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो है NBA एक्रेडिट करता है, जैसे कि पहले मैंने बताया कि NBA दो टाइप से एक्रेडिट करता है, फर्स्ट हो गया आपका प्रोग्राम वाइज एंड सेकंड हो गया आपका इंस्टीट्यूशन वाइज। अगर मैं इंस्टीट्यूशन का बात करूँ तो इसके अंदर आपके दोनों टाइप के टायर 1 टायर 2 जिसको बोला जाता है, उसी दोनों टाइप के जो है इंस्टीट्यूशन आते हैं। टायर 1 के अंदर आपका जैसे IITs हो गया, IIITs हो गया, IIS, NIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो टायर 1 के अंदर आती हैं। टायर 2 के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए आपके, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हो गए एंड प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, जिनको जो है NBA एक्रेडिट करता है। इसी के साथ कोई भी इंडिविजुअल कोर्स हो, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस हो, उनको जो है NBA एक्रेडिट करता है, लेकिन कंडीशंस ये रहते हैं कि कोई भी दो बैच, जैसे आपका UG इंजीनियरिंग कोर्स है तो उसके लिए कम से कम 5 साल रेगुलर होने चाहिए, मतलब बिना ब्रेक के कंटिन्यू बैचेस चलने चाहिए वहाँ पे, मतलब 2 बैचेस जो पास आउट हो जाने चाहिए। आपका अगर PG इंजीनियरिंग है तो उसके लिए 3 साल माना गया है, मतलब 2 बैचेस आपके पास आउट हो गए होने चाहिए। अगर मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट के लिए 3 बैचेस पास आउट होने चाहिए, तब भी आप NBA एक्रेडिट करता है कोर्सेज को। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि NBA से एक्रेडिटेशन का बेनिफिट क्या होता है आपके लिए, अगर आप ऐसे कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हो, ऐसे यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हो जहाँ जिसके कोर्सेज जो हैं NBA से एक्रेडिट हैं, तो आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर मैं इनकी बेनिफिट की बात करूँ, क्या बेनिफिट होने वाला है इसको या कॉलेज इंस्टीट्यूशन को NBA का एक्रेडिटेशन से क्या बेनिफिट होता है, तो
सबसे पहला पॉइंट हम ले लेते हैं कि जैसे हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन को जो है प्रमोट करता है एनबीए, तो जिसका कमेटी है वो क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर काफ़ी फोकस करता है। जैसे कि इनका मोटो है प्रमोटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया, तो उसी हिसाब से जो हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर मिलती है। और स्टूडेंट्स के लिए एक बेनिफिट रहता है कि जो आपकी डिग्री होती है उसकी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा वैल्यू मिलती है। अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हो तो एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयर के सामने आपकी डिग्री की ज़्यादा वैल्यूबल रहती है, तो ये प्लस पॉइंट आपके लिए रहता है। इसी के साथ एनबीए जो हेल्प करता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को या किसी उसके प्रोग्राम को की स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में, साथ में सजेस्ट करता है कि किस तरीके से वो पुश आउट कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन उन प्रोग्राम्स को और बढ़िया तरीके से चलाने के लिए, सही डायरेक्शन चलाने के लिए, या उनके करिकुलम वगैरह को रीडिज़ाइन वगैरह करने हैं। बहुत सारी चीज़ें एनबीए की जो कमेटी होती है वो सजेस्ट करती है इंस्टीट्यूशंस को। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे एनबीए को लेकर के एनबीए किस तरीके से एक्रेडिट करता है इंस्टीट्यूशंस को, क्या बेनिफिट है, किस तरीके कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस को करता है। इसी के साथ आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस जो हैं एनबीए से एक्रेडिटेड हैं, कौन कौन से कोर्सेज एक्रेडिटेड हैं, वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो या किसी और वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ये भी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, एंड आपके कुछ क्वेश्चंस हों और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। साथ में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, उसके ऊपर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म करता हूँ इस वीडियो को, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन जय हिंद।